सॉइल रिएक्शन, मृदा अभिक्रिया, आखिर किसे कहते हैं मृदा अभिक्रिया, आखिर किसे कहते हैं मृदा अभिक्रिया, सॉइल रिएक्शन। सॉइल रिएक्शन मिट्टी के घोल की सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक विशेषताओं में से एक है, जो मिट्टी के कई भौतिक रासायनिक गुणों को प्रभावित करती है। अधिकांश फसल चक्र के लिए इसकी उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण कारक है। यह मिट्टी की अम्लीयता क्षारीयता का संकेत है। इसे तीन वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग है एसिडिटी, दूसरा है एल्किनिटी और तीसरा है नेचुरलिटी। एक प्रश्न आया था एओ के एग्ज़ाम में, जिसमें यह पूछा था कि जब मिट्टी में पीएच 7 से 6 तक बदलता है, मतलब अधिक से कम की ओर बढ़ता है, तो एच प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा किस प्रकार से घटती है या बढ़ती है। तो आपको बता दूं, जब मिट्टी में पीएच 7 से 6 की तरफ बदलता है तो एच प्लस आयन की मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है, मतलब घटते क्रम में हाइड्रोजन आयन की मात्रा प्रति नंबर पर 10 गुना बढ़ जाएगी। और पीएच स्केल का जो निर्माण किया था, ये वैज्ञानिक सोरेनसन थे जिन्होंने इसका निर्माण किया। पीएच शब्द एसपीएल सोरेनसन वैज्ञानिक ने 1909 में दिया। एच आयन की जो नेगेटिव लॉगरिथम है, जो सक्रियता है, उसको हम पीएच कहते हैं। पीएच 1/H+ होता है। पीएच की जो रेंज होती है, पीएच स्केल का जो पैमाना है, उसकी जो रेंज है वो 0 से 14 तक होती है। 0 से 7 तक अम्लीय मृदा कहलाती है और 7 से 14 तक क्षारीय मृदा कहलाती है, यानी कि जो उदासीन मृदा है वो 7 पीएच पर होती है।